वातावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से इस बार किसी भी पूजा में विसर्जन पर डीजे को निषेध किया गया प्रशासन के द्वारा। इस पर कई पूजा कमेटियों द्वारा विरोध का तो आलम था ही, परंतु देखिए कांकीनारा बाजार में बिना डीजे के भी विसर्जन पूरे जोश व उल्लास से किया जा सकता है। इसका उदाहरण पेश करते हुए कांकीनारा के ही निवासी, नाम बताओ, पलाती पासवान। अच्छा, क्या देखने के लिए आया है कांकीनारा बाजार? आए दुर्गा विसर्जन। कैसा परिवेश लग रहा है, कैसा माहौल है? हाँ ठीक है, माहौल ठीक है। कितना उम्र होगा आपका? हमारा उम्र होगा 50 साल। हम लड़की लोग है, पोती है। अक्सर माँ बाप को लोग भूल जाते हैं, लेकिन इनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसी बुजुर्ग महिला को आज विसर्जन के दिन माँ का अंतिम रूप देखने के लिए काकीनाड़ा बाजार लेकर आए। बहुत अच्छी नाम। मेरा नाम है सीजे श्रीवास्तव, और ऐसा ही होना चाहिए, सब कुछ मिलजुल कर कपड़ा पहना मनाना चाहिए। प्रशासन की एक्टिविटी आपको दिखा दे तो लगातार ये लोग सड़कों पे ही खड़े हैं, पूरा पूजा पूरा फेस्टिवल लोग घर पे अपने परिवार के साथ मना। आज जो है व्यवस्था को पूरी तरह से टाइट कर रखे ये प्रशासन, तब जाकर आज ये पूरी तरह से परिवेश आप काकीनाड़ा में ये माहौल अच्छी तरीके से आप देख पा रहे हैं। नगरवासी जिस प्रकार से पूजा आराधना हुआ था उसी प्रकार से विसर्जन हो रहा है, लोगों में एक अलग सी मस्ती छाई हुई है और एक अलग ही परिवेश काकीनाड़ा में काफी वर्षों के बाद देखा जा रहा है। अमित जी क्या बोलेंगे, ये दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ लोग आज खड़े हैं पुराने। यही तो भाटपाड़ा का विसर्जन और यही हम लोग का यही विसर्जन हम लोग का रौनक है, और इस चीज में हम लोग कभी पीछे नहीं रहते। हम लोग का देखिए एकदम भव्य हम लोग का प्रशासन निकला हर साल, चाहे बाजार हो चाहे सोनार पट्टी हो चाहे हम लोग का डीजे पर इतना बाधा, लेकिन आज जो है ये परिवेश एक अलग ही डीजे से अलग होकर। देखिए अगर प्रशासन बोल रहा है डीजे नहीं निकाले तो जरूर कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए हम लोग डीजे का हम लोग ध्यान ही नहीं देते। हम लोग डीजे पे हम लोग का देख लीजिए डीजे रहेगा भी नहीं, इसी में खुश है सब लड़का लोग। अरे अपना एंजॉय होना चाहिए। काकीनाड़ा 6 नंबर गली नवजीवक संघ के द्वारा ये प्रोसेशन आया, क्या माँ से कामना क्या कामना करेंगे? सबको बढ़िया रहे, हम भी बढ़िया रहे, यही कामना करेंगे। क्या लगता है 2 वर्षों के बाद ये माहौल देखने को मिल रहा है काकीनाड़ा बाजार? हाँ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा परिवेश जो दिख रहा है आज का माहौल जो है, जहाँ पर एक तरफ हनुमान जी की भी विसर्जन हो रही है, दुर्गा माँ का भी विसर्जन हो रहा है, अब हनुमान जी और माँ दुर्गा से क्या काम? कामना यही करेंगे कि प्रति वर्ष बढ़िया से होवे, बढ़िया से माँ आएंगे, माँ सबको देख रही है, माँ विदा हो रही है। यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं माँ का अंतिम दर्शन के लिए। क्या नाम हुआ? पम्मी साहब। क्या लगता है पम्मी जी कि इस बार जो माहौल है दुर्गा पूजा का, जहाँ पर विसर्जन के दिन भी उमड़ है हुए ये भीड़? जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही मतलब अच्छा, और बहुत ही अच्छा पंडाल पूजा हुआ गया है, प्रतिमा भी बहुत सुंदर ही लाया गया है और बहुत ही मनोरंजन। क्या कामना? माँ से कामना करती है कि हे माँ हमेशा इसी तरह खुशी मतलब देते जाए और ये झगड़ा हो रहा है वो सब ना हो। से बात करने की कोशिश करेंगे, ये दोनों तरफ जो देख पा रहे कतारों में लोग उपस्थित है और ये जो माहौल आज तैयार हुआ है जहाँ पर अच्छे परिवेश में माँ का विसर्जन हो रहा है। हम लोग का फुलकार समाज जो है आज से करीब 80 साल 80-90 बरस से बैठते आ रही है। हम लोग मिलजुल के हम लोग का पूर्वजों का दिन है, हम लोग जो है मिलजुल के अभी हम लोग नए नई भवन का निर्माण किए हैं, अधूरा अभी भी काम चल रहा है। माँ का आशीर्वाद से भवन का भी निर्माण? हाँ, माँ का आशीर्वाद से भवन का निर्माण भी हो रहा है और अच्छी तरह से अभी काम प्रोग्रेस पर है और माँ दुर्गा जो है मतलब उसी जगह पर। लाखों का भीड़ दिख रहा था पंडालों में, हजारों से ज्यादा संख्या यहाँ पर विसर्जन में, ये जो परिवेश है ये परिवेश किस तरह से तैयार हो गया भाटपाड़ा में? ना भाटपाड़ा परिवेश तो ठीक ही है, बहुत बढ़िया है, हम लोग का मिलजुल के अति कर रहे हैं, मैंने मिलजुल के हम लोग सब एकताई के हिसाब से हम लोग माँ दुर्गा जी बैठा रहे हैं, आराम से चल रहा है, आराम से सब कुछ अपने आप धीरे धीरे सब कुछ बोले सब आराम से होते जा रहा है। तो बोलिए दुर्गा मैया के जय, दुर्गा माँ के जय। काकीनाड़ा नागरिक समिति हमेशा ये ख्याल रखता है लोगों का कि विसर्जन के दिन किसी प्रकार की आपत्तिजनक घटना ना घट जाए, इसके लिए हमेशा तात्पर्य रहता है। आप गणेश पूजा की बात करें, छठ पूजा की बात करें या दुर्गा पूजा की बात करें, आ चुकी दुर्गा पूजा का विसर्जन हो रहा है, साथ ही साथ पवन पुत्र हनुमान जी का भी विसर्जन आज ही है। हमारे साथ नागरिक समिति के
तमाम मेंबर यहां पर मौजूद है और साथ ही साथ इनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह का परिवेश देख रहा है ये वर्षों के बाद, क्योंकि कोरोना पीरियड में हमने देखा था तमाम पूजे सही से नहीं हो पाए थे, क्या बोलेंगे इस विषय पर? कोरोना काल के बाद इस बार अच्छा खासा भीड़ हुई है और लोग शांति से घूर रहे हैं पूजा का। हम लोग नांकीनाड़ा नागरिक, यहाँ पर कोई झूठ झमेला ना हो, हम लोग शांति बनाए रखते हैं और प्रशासन को कहते हैं यहाँ पर आइए और यहाँ पर हम लोग का सहयोग कीजिए, जिससे प्रशासन जिससे यहाँ शांति बना रहे। इस बार प्रशासन की भूमिका क्या थी? इस बार प्रशासन मोटा मोटी ठीक ही था। नागरिक समिति के तरफ से तमाम नागरिकों को हम अभिनंदन, नागरिक समिति के तरफ से अभिनंदन करते हैं। ये नज़ारा बयां करता है कि वातावरण को बिना दूषित किए पारंपरिक तरीके से विसर्जन का आनंद उठाया जा सकता है। भाटपारा से रवि सिंह की रिपोर्ट। गोदरेज इंटेरियर माध्यमे आपनर स्वप्नेर बाड़ीर समस्त रकम फार्निचारेर वास्तव ओ सुंदर सम्भार निये हाजिर आशा स्टील। স্বপ্নের মতো ঘর বা অফিস সাজাতে আজই আসুন আমাদের নৈহাটি বা শ্যামনগর শোরুমে।